ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਭਾਈ ਦੀ ਹਾਈਟ ਛੋਟੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾ ਬਾਈਕ ਲਈ ਤੂੰ हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ए व्लॉग और आज हम हाजिर है आपके सामने अनदर व्लॉग के साथ। और आज हम आए हैं भाई असीफ की शॉप के ऊपर और सीन्स कुछ ऐसे हैं कि भाई असीफ की दुकान पे पंखा लगाने के बाद इसकी शॉप के ऊपर जो है ना फ्लैक्स लगानी थी, क्योंकि भाई साहब जो है ना अपना कारोबार जो है ना इंक्रीज करने लगे हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये भाई के हाथ में जो इंची टेप है जिसे खिलौना समझ के खेली जा रहे हैं ये देखिए, तो उसके साथ हमने इसके ना शॉप की वो मेजरमेंट लेनी है और मेजरमेंट लेने के बाद ना हमने फ्लैक्स बनवानी है और जो है ना नए रेट्स जो है ना, क्योंकि अब माशाल्लाह शॉप चल पड़ी है तो नए रेट्स हमने हर चीज़ के देने हैं। तो सीन कुछ ऐसे हैं, कुछ लोग वेले भी होते हैं जो मतलब के ऐसे आके बैठ के नेट यूज़ करते रहते हैं, फ्री में आता है, इनके लिए भी हमने एक्स्ट्रा चार्जेस जो है ना 1 घंटे के 10 रुपये रखने हैं और अगर नेट यूज़ कर रहे हैं तो 20 रुपये उसके अलावा डाल देंगे। तो आर यू रेडी भाई? यस। तो अब हम जाना है यहाँ से उन्हें फ्लैक्स लेने के लिए, सॉरी फ्लैक्स का नाप देने के लिए, और उसके बाद जो लिखना है वो सब कुछ बताएंगे आपको। पहले हम नाप ले लेते हैं फिर हम जाते हैं फ्लैक्स का बनवाने के लिए। गाइस, हमने जो मेन जो चीज़ें यूज़ होनी है इसके अंदर वो है एक इंची टेप, पेंसिल है नोट करने के लिए और एक नोटबुक। तो ये वो स्टॉल है ठीक है जिसका हमने वो मेजरमेंट्स लेनी है और मेजरमेंट्स लेने के बाद हमने इसकी फ्लैक्स के लिए जो है ना मेजरमेंट्स देख कर आनी है। तो अब आपके भाई जो है ना इसके ऊपर मेजरमेंट्स लिखेगा और पहले हम इसकी मेजरमेंट्स ले लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी चौड़ाई लिखनी है, लंबाई चौड़ाई होगी, लंबाई ऊपर नहीं होती है 85 ठीक है, 85 इंचीज जो चढ़ाई है ना 85 इंचीज है ठीक है। अब हम इसकी लंबाई देखते हैं, ये बताएं भाई कहाँ तक करनी है, ये जल जल देना छोटी नहीं हो जाएगी ऊपर जाए यार, ऊपर 3 फुट का बेस्ट प्रॉपर 3 फुट ही है। तो इसकी लंबाई है ना वो हमने इसकी ले लिया एक साइड की 3 फीट ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं, इधर आए भाई मौसम, लंबाई इसकी उतनी है तो सिर्फ हम इसकी यहाँ से चढ़ा लेंगे। तो ये तकरीबन 3.5 फुटों की, सॉरी 3 फुट 1 और उस साइड की सेम ही है चढ़ाई और लंबाई। तो ये हमने जो है इसके ऊपर लिख ली है, अब हम लेके जाएंगे इसको वहाँ पे ताकि सारा सीन इसका ओके करवा सकें। चलिए चलते हैं। और सीन कुछ ऐसे हैं, आपके भाई ने फरमाइश ले ली है और अब हम यहाँ पंखा ऑन कर देते हैं ठीक है, मक्खियाँ बहुत हैं इस तरह, हम पंखा चला देना तो मक्खियाँ नहीं आती। तो अब फरमाइश ले ली है हमने इंची टेप के साथ। तो भाई ये सीप है वो कह रहे हैं मैं थोड़े से समोसे वगैरह निकाल लूँ, जैसे ही मैं समोसे वगैरह निकाल लूँगा तो फिर हम चलेंगे, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर समोसे कौन निकालेगा, भाई तो इसका आके ना वो सेल कर लेगा। तो मोशन इधर आओ यार, यार खच्चों के बाद क्यों बैठते, इधर आओ यार, मर्दों के साथ बैठना तो यार। तो ये भाई मोशन है, तो इनके पेपर हो रहे हैं तो उसके ऊपर भी मैं एक व्लॉग लाजमी बनाऊंगा कि इनके पेपर क्या हुए हैं, कैसे हुए और इनके साथ अचानक एक हादसा हो गया है, तो वो हम आपके सामने बिल्कुल एक वीडियो जो है ना बना के उसकी शेयर करेंगे। मे भी हो सकता है मैं कॉलेज जाऊँ जहाँ ये पढ़ता है, जहाँ मैं भी पढ़ता रहा हूँ और जहाँ वो खच भी पड़ती रही है, तो हम सब जाके ना वहाँ पर इस चीज़ से रिलेटेड बात करेंगे ठीक है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं भाई इसी, जैसे ही वो निकाल लेते हैं समोसे आपके सामने वो लगा हुआ है ठीक है, जैसे भाई हसीब जो है वो समोसे निकाल लेते हैं तो उसके बाद हमने यहाँ से कूच कर जानी है और फिर कम्यार के महल्ले से होते हुए हमने जाना है वहाँ फ्लैक्स के पास। A few minutes later. तो अब मैं साथ छेबी और साथ मोहसन और साथ जिस भाई की शॉप है वो हम जा रहे हैं। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं जनाब कि फ्लैक्स जो है ना वो भारी नहीं है कि हम इतने लोगों ने उठानी है, ये हम इसलिए जा रहे हैं कि हर बंदा अपना आइडिया वहाँ पे दे सकता है कि इस चीज़ में ये चीज़ ऐड कर ले, ये चीज़ ऐड कर ले, ये लिखवा लें, तो जितने ज़्यादा माइंड्स होंगे उतने ज़्यादा बेहतरीन आइडियाज़ होंगे और उतने ही ज़्यादा जो क्या कहते हैं फ्लैक्स अच्छी बनेगी। स्टेशन व्यू भी दे, स्टेशन व्यू भी दे देते हैं, देखें गांधी गांध है A few inches later. व्यूअर्स, हमें यहाँ पे ये जोगी साहब मिले हैं और जोगी साहब से हमने इनकी ये क्या कहते हैं मुंह में लेने वाली बांसुरी ले ली है और बांसुरी लेने के बाद ना भाई की फरमाइश आई है कि वैसे भाई आप बजा के दिखाएं, तो हम बजा के दिखाएंगे, बजाने का तो हमें बहुत ज़्यादा वो तजर्बा है। बांसुरी पकड़ो यार, सुनिएगा और बताइएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश कर रहे
ये जो झंडा है ओ यहाँ वो कौन ना सिंगर है क्या नाम है हाँ, हाँ, ये जो झंडा तो ये हमने उसी से ही सीखा है जो सीखा ठीक है वो हमारे उस्ताद मोहतरम है ऐसे भी करो उस्ताद मोहतरम है अल्लाह हमें उनसे आगे मत लेके जाए ठीक है अल्लाह हमें उनसे अल्लाह उनसे बचाए अल्लाह उनके सुरों से बचाए नहीं नहीं अल्लाह हमारे सुरों को उनसे आगे ना लेके जाए हम अपने उस्ताद मोहतरम से आगे नहीं जाना चाहते लेकिन हमारे अंदर क्वालिटी है कि हम उससे आगे जा सकते हैं आप जो नाच मेरे आगे लिरिक्स भी दस रहे नाल ये स्पेशली सुर मेरा मेरे उस्ताद क्या नाम चाहत फतेह अली खान के लिए जो के मिस रोशनी के बहुत ज्यादा बड़े फैन है सैम भाई आपके लिए भी ये है कि किना सुर है पूछ ली यार तुसी नचो भी ना फिर नजर भी ध्यान नचदे ओ आप ही नाचदा रहंदा ये सुर हमारे उस्ताद चाहत फतेह अली खान पीर चाहत फतेह अली खान की तरह से बनाया गया है स्पेशली पीर मक्की के लिए हाँ जी ये उनका हुजरा ये उनका हुजरा मुबारक है यहाँ पे उनको दफन किया जाएगा उनको दफन करने के बाद ये सुर उनकी नजर किया जाएगा उनकी मगफरत की दुआ नहीं की जाएगी यही कही पीछे को जा रहे हैं चले अब हम चलते हैं बहुत मजाक हो गया फ्लैक्स बनवानी है ठीक है आप क्या कुछ कहना चाहते हैं नहीं हम कुछ कहना अपने अपने लव के लिए इसका दिल टूटा है बैठ जाए नहीं इसका दिल टूटा है तो जोगी साहब का दिल टूटा है इसके ऊपर एक अलहदा वीडियो बनेगी ठीक है 10 इंच का इसका दिल था 10 इंच अच्छा वो जो इसका टूट चुका है 10 इंच का दिल टूट गया इसका लड़की ने इसको छोड़ दिया भाई ये 10 इंच का दिल तुम्हारे अंदर फिट किसने किया था वो पीछे से को कर गया चले हम चलते हैं फिर करते हैं कोई बात ठीक है वहां जाके बातें बहुत ज्यादा आगे जा रही है A few moments later. के जो है ना वो कमाइश ले चुके हैं अब डिज़ाइन दिखाएंगे हमें अभी तो वो भाई बिजी हैं क्योंकि वो काम कर रहे हैं कस्टमर को डील कर रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं मोहसिन भाई तो जैसे ये काम हो जाएगा इनका और उसके बाद हमारी बारी आएगी फिर वैसे तो इन्होंने 1200 बता दिया प्राइस तो प्राइस हमारे लिए तो ओके है तब देखते हैं क्या होता है हम ब्यूटीफुल सी प्यारी सी जैसा कि क्यूट से समोसे क्यूट से समोसे टिक्कियाँ क्यूट सी मतलब प्यारी सी फ्लैक्स लिखाएंगे कुछ ए फ्यू मोमेंट्स लेटर समोसा रोल टिक्की नान सादा नान उस तो बाद फ्राई नान नहीं तला हुआ वही हों फ्राई सादा नान फ्राई नान एक ही चीज़ आर कि आइटम है जी तू दस्तयाब का सर यार ठीक बेहतरीन माहौल के साथ दस्तयाब है यार ओके करो हाँ दस्तयाब है दस्तयाब है बस ठीक है ओके हाँ ओके इन जरा पेस्ट करके दसो कि सीन बन दा इहदा मतलब ही नहीं है समोसे घट नजर आ रहे छोटे यार कोई ऐसा दिखा नहीं जी कोई छे यार आप प्लेट वाला देखा वाले समोसे हाँ आ देख आ कैसा ठीक है ना नहीं चोरी पिछे नींबू भी पे पता की पिया यार पे रहन दे तू मजाक ना कहना मेरे पिछो गाहक नस गए जरा इधर ध्यान दे काम मैं उही कह रहा जरा काम वाल ध्यान दे भाई ने जो मैं लगता कंप्यूटर लिया तो शीट नहीं लाई है उतो
व्यू ने कहना वा एलसीडी दे विच विंडो रखी ए बड़ा नहीं हो सकदा जानी तो व्यूअर्स चीज कुछ ऐसे हैं जो हमारी फ्लैक्स अब बन चुकी है, A1 हो गया काम, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ, तो फिर आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो आपने प्रेयर जरूर करिए मेरे भाई के लिए, इसका काम देना ओके हो जाए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, बैक कैमरा ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जो फ्लैक्स बनी कैसी है। तो जब बन गया है कि वो, तो फिर हम आपको लगाते हुए भी दिखा देंगे। मुझे बता देना वगैरह अगर लगवाई ना, मेरा भी लोग दूर रहने, हाँ तो फिर हम जब लगाएंगे ना तब भी हम, ठीक है। और ये भाई आप इधर अपनी शॉप का क्या नेम है बता दें, AM फ्लैक्स, ये कौन सी रोड के ऊपर है? 298 रोड के ऊपर AM फ्लैक्स की ये शॉप है। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा भाई यहाँ कोऑपरेटिव है, आप सब बहुत अच्छे से ताउन करते हैं, और प्राइस भी इनकी लो है ओवरऑल गुजरा से, लेकिन काम बहुत अच्छा देते हैं, ठीक है। और आपने विजिट करना हो कर सकते हैं पाकिस्तानी दिखाई ना उन्होंने। A few moments later बिल बनवा लो जानी आप भाई से, बिल का नाम सुन के दिल तक तक तो नहीं कर। चले आ जाए जनाब वाला। और हमारा जो है काम हो चुका है, बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया अंदर बैठ के। AM डिजिटल फ्लैक्स वालों ने हमें बहुत चेस करवाई है, तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। हमने खूब फ्लैक्स ली है, हाँ जीरो फ्लैक्स ली है, हाँ तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। आप भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आटे मारने तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि उन्होंने बोला है कि कब तक मिल जाएगी फ्लैक्स, कल को मिल जाएगी जब पूरे पैसे, कल हाँ कल को मिल जाएगी फ्लैक्स। और ये भाई वहाँ पे ना 10-10 के नोट लेके, पैसा ही पैसा हो गया। 1200 रुपया था उसमें, हमने 75% पहले अदा करने थे एडवांस, तो ये जनाबे वाला वहाँ पे ले गया 10-10 के नोट, 50-50 के नोट, जेब चो नहीं निकलने दे, इधरों पैसे 10 रुपये कड़न दिया, 50 रुपये दूजी जेब चो कड़न दिया। मैं परेशान, मैं कह यार आ की काम कर रहा बंदा। तो अब हम घर जा रहे हैं, तो जब फ्लैक्स आएगी फिर हम आपको वहाँ से शो दिखाएंगे क्या सीन्स होते हैं कैसे होते हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, जाना नहीं कहीं, मिलेंगे अनदर व्लॉग में। नहीं अभी एक व्लॉग बाकी है, अभी हम घर जाएंगे, जाना नहीं कभी भी, आना नहीं कभी भी। हाँ जैसे वो बन जाएगा फिर हम दिखाएंगे आपको।